हेलो स्टूडेंट्स, रोनेट 116 का जो आपका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था, बहुत कुछ बताया आपको कि सोनेट जो लिखी जाती थी वो इटली में लिखी जाती थी। इसकी राइम स्कीम भी हमने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी थी। इसको शेक्सपियर सोनेट्स भी कहा, शेक्सपीरियन सोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से बताई जा चुकी है, जो होती है आपकी। क्या होती है राइम स्कीम इसकी? ए बी बी ए, आपके फर्स्ट वीडियो में आपको बताई जा चुकी है कि इसकी राइम स्कीम क्या होती है। और सॉरी, ये 1 से लेकर 126, 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फेयर यूथ सोनेट्स, जिसमें प्यार आर के बारे में आपको बताया गया है। तो चलते हैं, जो आपका मैंने यहाँ तक बता दिया था, ओ नो, इसमें आपको बताया गया था प्यार क्या होता है। आगे चलते हैं, आगे आपका आता है, देखते हैं। लव्स नॉट टाइम्स फूल थ्रोस रोजी लिप एंड चेक विद इन किक्स विद इन हिज बेंडिंग स्केल्स स्केकल्स कंपस कम, ठीक है। पहले लव जो है वह टाइम के साथ बदलता नहीं है, जैसे समय सबको खत्म कर देता है। जैसे एक शब्द यहाँ पर लिखा है सेकल्स, सेकल्स का मतलब होता है घास काटने वाला, सी टाइप का एक होता है औजार होता है, सी टाइप का। जो नहीं, गाँव में देखते होगे महिलाएं जब घास काटने जाती हैं आपके खेतों में, तो वो एक औजार लिए रहती हैं जो ऊपर से सी टाइप का होता है और नीचे उसके हैंडल पकड़ने के लिए होता है। तो उसके आगे कोई भी घास आती, कोई भी छोटा मोटा पेड़ आता है, वो उसको काट देता है। वही काम टाइम करता है, उसके सामने चाहे रोजी लिप्स आए, चिक्स आए, वो सबको क्या कर देता है? काट देता है। लेकिन वह लव को काट नहीं सकता है। लव को, फूल का मतलब यहाँ पर बेवकूफ नहीं होता, मतलब खत्म करना, ठीक है। लव इज नॉट टाइम्स फूल मतलब टाइम के लिए, मतलब टाइम चाहे जितना भी बीत जाए, लव कभी भी कम नहीं होता। सच्चा प्यार जो है कभी भी कम नहीं होता। जिस तरीके रोजी चिक और कोरल लिप्स एंड शाइनिंग आईज, ये सब टाइम रूपी सेकल्स के सामने आकर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो प्यार होता है वो प्यार कभी भी नहीं खत्म होता। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, प्यार जो है घंटे हफ्ते इन पर डिपेंड नहीं करता, ब्रीफिंग नहीं करता है कि आपका 1 घंटे का प्यार है, हफ्ते भर का प्यार है, खत्म हो गया, मन भर गया, उबाऊ होने लगे। आजकल क्या होता है कि मुझे गिव मी सम स्पेस कहते हैं ना, कि मुझे कुछ स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो प्यार ऐसा नहीं होता है, प्यार कभी बदलता नहीं है। घंटों के चाहे जितने घंटे हो जाए, चाहे जितने हफ्ते हो जाए, प्यार जो आपका सच्चा प्यार होगा वह हमेशा एक ही जैसा रहेगा। बट बियर्स इट अवर इवन टू द एज ऑफ डूम, और बट माने लेकिन यह आप डूम मतलब होता है, मतलब प्रलय, एक तरीके से तबाही, खत्म होना, दुनिया को खत्म होना। मतलब जो प्यार होता है वो आपको जो तबाही का एज होगा, मतलब तबाही का जो सबसे आखिरी समय होगा, उस समय तक वह आपका साथ देगा। कौन? आपका सच्चा प्यार। तो इसमें आपको जो बताया गया है, जैसे एक हमने अभी इस वाले में आपको बताया था, इसमें बताया था नॉटिकल इमेजिनरी यूज किया गया है, उसी तरीके इसमें आपका टाइम इमेजिनरी यूज किया गया है। टाइम से समय के बारे में आपको लेकर इंट्रोड्यूस किया गया, एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, सबसे आपके 3 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं, सबसे लास्ट की 2 लाइन। हम इफ दिस बी एरर एंड अपॉन अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लेफ्ट। इफ माने यदि कोई भी जो ऊपर की 12 लाइनें हैं इनको एरर प्रूव कर देता, गलत बता सकता है मुझे, मेरे मतलब जिसने भी यह प्रूव कर दिया कि ऊपर जो भी लिखा है वह गलत है, तो आई नेवर रिट, मैं कभी नहीं लिखूंगा, नॉट नो मैन एवर लेफ्ट, और ना ही कभी किसी ने प्यार किया होगा। ये विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं, यार फादर ऑफ इंग्लिश अगर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो इन्होंने ऊपर लाइनें लिखी हैं वो सही है, गलत नहीं है। तो कोई भी माई कलाल इसको गलत प्रूफ नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, और जितना भी आपको बताया है प्लीज इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अपने सभी दोस्तों को
आगे बता दे, ठीक है? तो थैंक यू, आपको नेक्स्ट मैकबेथ का मिलता है। थैंक यू सो मच।